नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका झा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में दूसरी ट्रेन शनिवार को शाम को दिल्ली रवाना हुई। इससे पहले 12 जुलाई 2019 को पहली ट्रेन स्वर्ण मंदिर बाघा बॉर्डर पर तीर्थ यात्रियों को लेकर गई थी। मानना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लिए कर रहे हैं। चुनाव तो लड़ा था बिजली आप पानी माफ पे, लेकिन आज किसी से आप चर्चा करें तो वो कहता है कि हॉस्पिटल जाके देखो, स्कूल जाके देखो, और जो डोर स्टेप डिलीवरी की चर्चा है और जो दिल्ली के हालात है, अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं होते तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाता। ये तो केंद्र सरकार का साथ नहीं मिला, और आज की जो हमारी स्कीम है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की, ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के श्रवण कुमार बन के आए हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं होता, कोई रोजगार में है, कोई पेरेंट्स के साथ नहीं जा पाता, उनकी मजबूरी होती है। आज दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी और सारे विधायक वो श्रवण कुमार बन के अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं, और इसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। सर, ये कितने दिन का ये अपना इनका प्रोग्राम रहेगा और किस तरह की व्यवस्था है रुकने की, उसके बारे में भी थोड़ा देखिए। यहाँ से ये बस में जा रहे हैं, एसी बस है, और इसके बाद ये स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से ट्रेन जाएगी कटरा, और उसमें खाना वाना सब कुछ फ्री है सरकार की तरफ से है। फिर कटरा में जो होटल होगा वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से होगा। एक डेढ़ दिन का टाइम होगा, दर्शन करके वापस आएंगे, जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आएंगे, और पूरा सरकार जो है इसका खर्चा वहन करेगा। सर, जिस तरह से बात करें माताओं बुजुर्गों की, तो उनके बेटे आजकल उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, आप बहुत जग जा ही रही है। ये जरूरी नहीं है कि वो गलत ही व्यवहार करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको छुट्टी नहीं मिल पाती, चार बार उनकी मजबूरी भी होती है, लेकिन जब उनकी मजबूरी है, क्योंकि आज आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है ज़िंदगी में, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक इतनी अच्छी सोची है कि भाई सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जब कहा था कि बिजली आप करेंगे, कह रहे केजरीवाल कर ही नहीं सकता, हो गया बिजली के रेट आप, कह रहे पानी तो माफ ही नहीं कर सकता, हो गया, कहते स्कूल में सुधार हो ही नहीं सकता, हो गया, कहते दवाई तो ये फ्री नहीं दे सकता, हो गया, अब माता बहनों के लिए जो है बच्चियों के लिए मेट्रो और जो है DTC का बस का किराया माफ़ करने जा रहे, कह रहे कर ही नहीं सकता, वो भी करके दिखाएंगे। अब कह रहे थे तीर्थ यात्रा पे कैसे ले जाएंगे बुजुर्गों को, तुम्हारे सामने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करके छोड़ती है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले आने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था मैं बेटा हूँ आपका, आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊँगा। आज झांगीपुरी के ब्लॉक से बादली विधानसभा से एक बस गई है, उसके अंदर काफ़ी बुजुर्ग आज तीर्थ यात्रा पर वैष्णो देवी के लिए गए, जो अरविंद जी कहते हैं वो करते हैं। ये बस जो है कितने समय के लिए गई है और कितने लोग इसमें हैं, जो कि एरिया से कितने लोग गए हैं, कितने दिन रुकेंगे, खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहेगी? आज केव लोग से लगभग 40 लोग गए हैं, और एसी बस है, एसी ट्रेन है, एसी होटल है, सारी व्यवस्था अरविंद जी ने ऐसे की है जो अपने माता पिता के लिए करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे अरविंद जी ने हमारे मतलब दिल्ली के बुजुर्गों के लिए की है। किस अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के, तो लोग जो उनके कार्यकाज को लेके निशाना साधते हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, मैं तो उन धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहूँगा जो कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। एक गाय माता जिन्हें हमेशा दूसरी पार्टी वाले माता का दर्जा देते हैं, वो कूड़े में मुंह मार रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हैं, और एक धर्म के ठेकेदार जो राम मंदिर बनाने के लिए कहते हैं, एक तरफ केजरीवाल जी तो दिल्ली में कांवड़ सीवर, दिल्ली के अंदर जितने कांवड़ सीवर दिल्ली अरविंद केजरीवाल के टाइम पे लगने लगे, मुझे नहीं लगता किसी सरकार के टाइम पे लगे जो राजनीति की बातें करते हैं। और दिल्ली सरकार इतने इतने अच्छे फैसले ले रही है, तीर्थ यात्रा के फैसले लिए, धर्म के काम के इतने अच्छे कर रही है, और आपका दिल्ली के अंदर छठ घाट सबसे ज़्यादा दिल्ली सरकार बना रही है, तो हिंदुओं के लिए जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी है, और लोग तो ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में दूसरी ट्रेन शनिवार को शाम को दिल्ली रवाना हुई। इससे पहले 12 जुलाई 2019 को पहली ट्रेन स्वर्ण मंदिर बाघा बॉर्डर पर तीर्थ यात्रियों को लेकर गई थी, और आज रवाना हुई ट्रेन बुजुर्गों को वैष्णो देवी यात्रा पर लेकर जा रही है। दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा कमेटी के अध्यक्ष कमल बंसल भी इसी ट्रेन से यात्रा पर जा रहे हैं। बंसल ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि अब हर 10 दिन में एक ट्रेन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर आवेदन अमृतसर और वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए ही आ रहे हैं, और अभी इन रूट्स पर ट्रेन रवाना हो रही है।
बुजुर्गों को अपने साथ अटेंडेंट ले जाने की इजाजत है। जहांगीरपुरी एरिया एमएलए अजीश यादव और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तकरीबन 40 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम किया है, जो अपने आप में सराहनीय है। इसी कड़ी में एमएलए अजीश यादव ने हमसे बातचीत करते बताया कि दिल्ली सरकार ने जो भी वादे किए उसको पूरा किया, जैसे बिजली हाफ, पानी माफ, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था का काम काफी सराहनीय है। जरूरत है बुजुर्गों का आशीर्वाद सभी ले और उनकी सेवा करें। दिल्ली से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 4 दिनों के लिए जा रहे हैं केजरीवाल से, क्या खर्चा आएगा आप लोगों का? हमारा खर्चा तो कुछ नहीं आ रहा, एक पैसे का नहीं है। ये सारा खर्चा किसके कोटे से आप लोग जा रहे हो? केजरीवाल विधायक जा रहे हैं और केजरीवाल जी की तरफ से जा रहे हैं, एमएलए अजय जी की तरफ, यादव की तरफ से जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इन्होंने बुजुर्गों के लिए कुछ सोचा, उनकी यात्रा के लिए सोचा, बहुत अच्छा सोचा इन्होंने। जिस तरह से लोग दिल्ली सरकार पे उंगली उठाते हैं, उनके लिए क्या कहना है? जो दिल्ली सरकार पे उंगली उठा रहे हो उनके बारे में हम क्या कहें? जो केजरीवाल ने कर दिया अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने बिजली को आधा किया, पानी को उन्होंने बिल्कुल फ्री किया। क्या आगे आने वाली सरकार में ऐसा करेंगी या पीछे किसी ने किया है? सर, गरीब के ऊपर सबसे बड़ी मार होती है बिजली की और पानी की। अच्छा, हॉस्पिटलों की, हॉस्पिटलों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, पानी फ्री में मिल रहा है, बिजली आधी मिल रही है, हैं, स्कूल है, स्कूलों में सुनवाई होती है, पढ़ाई होती है, और क्या चाहिए? हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हमारे एमएलए अजीश यादव की तरफ से जा रहे हैं। हमारा खर्चा वही उठाएंगे, हम 3-4 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं। और हम बहुत खुश। ये कैसा कदम है जो बुजुर्गों के लिए? बहुत अच्छा लगा बुजुर्गों के लिए, किसी ने नहीं सोचा, इन्होंने सोचा हमारे बुजुर्गों के बारे में। पहले के जो विधायक हुआ करते थे, कभी ऐसा हुआ नहीं, है? ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार। हम जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। सपने में